हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है गैस्ट्रिक कैंसर। गैस्ट्रिक कैंसर मोस्ट कॉमन गैस्ट्रिक मेलिग्नेंसी में आता है। अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर कौन सा होता है, तो वो हो जाएगा लियोमायोमा। ठीक है, कोई पूछे मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा होता है, तो वो होता है एडेनोकार्सिनोमा। एस्टोमेक की बात कर रही हूँ। ठीक है, मोस्ट कॉमन ट्यूमर जिसके कारण ब्लीडिंग होता है, तो वो हो जाएगा लियोमायोसार्कोमा। मोस्ट कॉमन मेजेनकाइमल ट्यूमर में हमारा जीस्ट आ जाएगा, जो लास्ट में हम पढ़ेंगे। अभी समरी बता रही हूँ, पूरा एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, एडेनोकार्सिनोमा जो मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर है, इसका रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? टोबैको, अल्कोहल, नाइट्रोसा अमाइन जो ड्रग्स है, एच पायरोलिक, ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस ए और बी दोनों, ग्रुप एक जो ब्लड ग्रुप वाले होते हैं ना, उनको ज़्यादा होता है। तो ए से एडेनोकार्सिनोमा और ए से ब्लड ग्रुप ए, हिस्ट्री में जिनको पहले से हुआ है या फैमिली हिस्ट्री, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है या मेनी ट्रायल डिजीज है जिसमें फोवियोलर हाइपरट्रॉफी, टीएनएफ अल्फा इंक्रीज रहेगा, प्रोमिनेंट गैस्ट्रिक रूगल फोल्ड देखने को मिलेगा, या फिर ये CDH2 म्यूटेशन के कारण होता है, या फिर ये APC म्यूटेशन के कारण होता है। CDH2 म्यूटेशन के कारण होगा तो ई कैदरीन होता है, और अगर APC म्यूटेशन के कारण होगा तो एडेनोमाइटस पोलिप्स बढ़ जाएंगे। लोकेशन कहाँ होता है एडेनोमा का? तो ए से क्या था? एडेनोकार्सिनोमा, ए से ब्लड ग्रुप ए से एंट्रम में होता है। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में तो अर्ली ये क्या होगा, सटीटी होगा, मतलब कि पोस्ट प्रांडियल हैवीनेस, भरा भरा लगेगा। अब पेट में अगर कुछ हो रहा है तो वेट लॉस तो होगा ही, तो मोस्ट कॉमन जो होता है वो वेट लॉस होता है। एब्डोमिनल पेन, डायग्नोसिस में क्या करेंगे? इंडोस्कोपी और बायोप्सी करेंगे। इंडोस्कोपी में लिए अल्सर के लिए किया जाता है, लेकिन बायोप्सी कन्फर्मेशन के लिए किया जाता है, और दोनों को अगर मिला दे तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ च्वाइस हो जाएगा। बायोप्सी में भी दो तरह का मिलेगा, अल्ली और लेट। अल्ली में म्यूकोसा और सबमुकोसा इन्वॉल्व होता है, लेट में मसल और सेरोसा इन्वॉल्व होता है। इसके मेनली स्टेजेज भी है, जो ये बाद में पढ़ाऊँगी। ठीक है, अल्ली जो होता है ना, उसका बेहतर प्रोग्नोसिस है, और लेट का पुअर प्रोग्नोसिस है। इसका एक क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसको क्या कहते हैं, लॉरेंस क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें दो तरह का इसका टाइप होता है, एक तो ये इंटेस्टाइनल टाइप होता है और दूसरा डिफ्यूज टाइप होता है। ठीक है, तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं, ये है इंटेस्टाइनल टाइप और ये है डिफ्यूज टाइप। इंटेस्टाइनल टाइप में क्या होता है, लोकलाइज्ड कैंसर देखने को मिलेगा, इसमें APC का म्यूटेशन होगा। ठीक है, और इसका बेहतर प्रोग्नोसिस होता है। वहीं डिफ्यूज का, डिफ्यूज इनफिल्ट्रेट होंगे, इसमें CDH का म्यूटेशन होता है, म्यूसिनस वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं, सिग्नेट रिंग लाइक अपियरेंस देखने को मिलता है, एसोसिएटेड होता है डेस्मोप्लाज्मा से, इसमें मेनली लेदर बोतर अपियरेंस भी देखने को मिलता है, जिसको हम लाइनाइटिस प्लास्टिका कहते हैं, और इसका पुअर प्रोग्नोसिस होता है। बेस्ट प्रोग्नोसिस कहाँ पर होगा? अगर सुपरफिशियल स्प्रेडिंग होगा तो स्प्रेड मोस्ट कॉमन जो इन्वॉल्व होता है वो होता है लीवर, फिर उसके बाद लंग, ओवरी तो बायलेटरल, जिसके कारण कौन सा ट्यूमर होगा अगर ओवरी में ये मेटास्टेटिस किया तो क्रूकेनबर्ग ट्यूमर होगा। ये प्राइमरी गैस्ट्रिक कैंसर के कारण ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इसका जो है वो पुअर इन्वॉल्वमेंट कहाँ पर होगा, तो पुअर इन्वॉल्वमेंट होगा ब्लूमर सेल्फ में। कहाँ होगा? ब्लूमर सेल्फ में।
दूसरा जो है वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर, जिसको हम कहते हैं जीस्ट। जीस्ट क्या है? ये मेनली सेल ऑफ काजल जो होता है वहाँ पर ये देखने को मिलता है। ये सेल ऑफ काजल क्या है? कंपोनेंट है मायंत्रिक प्लेक्सस का, जो पेसमेकर कहलाता है GIT का। इसमें म्यूटेशन हो जाने के कारण मेनली प्रोफरेशन बढ़ जाता है ड्यू टू थायरोसिन काइनेज। डेफिनेट मार्कर CD117 CKIT जो ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, CD34 जो नॉन स्पेसिफिक होता है। अदर मार्कर में DOG1, DOG का फुल फॉर्म क्या होता है? डिटेक्टेड ऑन GIST1। इसमें क्या करेंगे हम इसका ट्रीटमेंट? तो करेंगे इमाती नीब देंगे जो थायरोसिन काइनेज को इनहेबिट करेगा। ये मोस्ट कॉमन मेजेनकाइमल ट्यूमर ऑफ स्टोमक होता है। एक होता है NHL, ये मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा नोडल साइट होता है जो स्टोमक में इम्यूनो कंपोनेंट में देखने को मिलेगा, और CNS में इम्यूनो कंप्राइज या एड्स बारे में देखने को मिलेगा। थोड़ा तो अब कैंसर के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या हम पढ़ रहे हैं? कैंसर इन स्टोमक मैक्सिमम इंसिडेंस कहाँ देखने को मिला है? तो जापान में। मोस्ट कॉमन मेल में देखने को मिलता है, और कब? तो 6th DK में। मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है? तो एंट्रम होता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर ये कैंसर स्टोमक इन परनीशियस अनेमिया में कहाँ होता है? तो फंडस में होता है। और मोस्ट कॉमन मेटास्टेटिस तो अभी बताया लीवर में होता है, ठीक है। अगर केमोथेरेपी रेगिमेन जिसके कारण ये मेनली कैंसर देखा जाता है वो होता है ECF, ईपीरुविसिन, सिस्प्लाटिन और 5FU। क्लिनिकल फीचर्स, मोस्ट कॉमन सिम्टम एब्डोमिनल पेन होता है, और उसके बाद वेट लॉस होता है। अगर कोई पूछे अगर GE जंक्शन पे ट्यूमर हो तो मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होगा? डिसफेगिया, ठीक है। पिछले बार मैंने बताया था क्लासिफिकेशन, इस बार एक दूसरा क्लासिफिकेशन बता रही हूँ जिसका नाम है स्वीवर्थ क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें है ना मेनली 3 टाइप में बांटा गया है GE जंक्शन ट्यूमर को, Type 1, Type 2, Type 3। मेनली ये जो GE जंक्शन पे होता है वो एडीनो कार्सिनोमा होता है। टाइप वन कहाँ पे होगा? तो डिजिटल इसियोफेगस में, Type 2 रियल कार्डिया में, Type 3 सब कार्डियल स्टोमक में, ठीक है। इसका मतलब इसका पिक्चर देख पिक्चर के अनुसार थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए टाइप ये मान लीजिए GE जंक्शन है, तो Type 1 इसके ऊपर 1 से 5 सेंटीमीटर एभव कार्डिया, ठीक है। Type 2 1 सेंटीमीटर एभव और 2 सेंटीमीटर बिलो द कार्डिया, ठीक है। तो Type 2 कहाँ पर होगा? यहाँ पर इस तरह से होगा। Type 3 2 to 5 सेंटीमीटर बिलो द कार्डिया, मतलब यहाँ तक होगा। तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मेनली डिवीजन होता है, ठीक है। अब एक अपीयरेंस बताए थे आपको जिसका क्या नाम था? लाइनाइटिस प्लास्टिका, इसको हम लेदर बोतल स्टोमक भी कहते हैं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इसमें डिफ्यूज प्रोफरेशन देखने को मिलेगा फाइब्रस टिश्यू को, और मोस्ट कॉमन इसमें क्या होता है? तो अली सिताइटी, क्या? SATIETY, ठीक है। इसमें बोतल का जो अपीयरेंस है वो कैसा दिखेगा? तो जब उसका करवाइएगा ना बेरियम सोलो, तो इस तरह का आपको बोतल का अपीयरेंस दिखेगा, जिसको हम लेदर बोतल बोतल स्टोमक कहते हैं। लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट देखते हैं स्टोमक कैंसर में। सबसे इन्वॉल्वमेंट जो एक्सियल लिम्फ नोड का होता है उसको हम कहते हैं मतलब कि एक्सियल पार्ट में जो लिम्फ नोड है जिसमें स्टोमक कैंसर के कारण इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम कहते हैं आयरिस लिम्फ नोड, क्या? आयरिस नोड कहते हैं, ठीक है। अगर यही अगर इन्वॉल्वमेंट लेफ्ट सुप्रा क्रैविकुलर लिम्फ नोड का होगा तो उसको हम विर्चो नोड कहते हैं, जिसको हम दूसरा भाषा में अक्का
थ्रोआइजियल साइन भी कहा जाता है। कौन सा साइन? टी आर ओ आई एस आई ई आर, थ्रोआइजियल साइन भी कहा जाता है। कुटेनियस में तो स्टैटिक डिपोजिट होगा अम्बिलिकस के चारों तरफ, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिस्टर मेरी जोसफ नोड कहेंगे। क्या? सिस्टर मेरी जोसफ नोड, ना कि लिम्फ नोड। ठीक है, कहाँ पे? अम्बिलिकस के चारों तरफ होगा। तो पल्पेवल इंट्रापेरिटोनियल मेटास्टेसिस अगर डिजिटल रेक्टम एग्जामिनेशन में देखने को मिला तो उसको हम क्या कहेंगे? कहेंगे ब्लूमर्स सेल्फ। ठीक है, एक होता है क्रुकेनबर्ग ट्यूमर, जो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, इसमें ओवरी का इन्वॉल्वमेंट होगा। इसमें मोस्ट कॉमन कौन सा लिम्फ नोड होता है? लिम्फ रूट। तो लेट्रोग्रेड लिम्फेटिक रूट होता है, हेमेटोजिनस रूट के द्वारा भी जाता है, या फिर ट्रांसकोलोनिक या ट्रांसपेरिटोनियल रूट, तीन रूट के द्वारा ये ओवरी में पहुंचता है। ये बायलेटरल, दोनों ओवरी इन्वॉल्व होता है। डायग्नोसिस तो पहले ही बता दिए थे, एंडोस्कोपी और बायोप्सी दोनों करेंगे। अगर स्टेजिंग का हमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस चाहिए डायग्नोसिस में, तो वो होता है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है प्री ऑपरेटिव स्टेजिंग का? तो CECT। ठीक है, अब देखते हैं जो TNM स्टेजिंग होता है ना कैंसर का, तो स्टोमा के कैंसर के लिए क्या स्टेजिंग किया गया है? TNM, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कितना ट्यूमर स्प्रेड किया है, कौन कौन सा नोड इन्वॉल्व है और कहाँ कहाँ तक स्प्रेड किया है। तो ये जब बात करें ट्यूमर का, तो ये डिवाइड हुआ है ट्यूमर वन, इसमें ट्यूमर वन ए वन बी, ट्यूमर टू, ट्यूमर थ्री, ट्यूमर फोर ए और ट्यूमर फोर बी में। ठीक है, तो सबसे पहले ट्यूमर IS1 में देखते हैं। इसमें कार्सिनोमा जो है ना वो इन सीटू है और हाई ग्रेड डिस्प्लेसिया देखने को मिला है। ट्यूमर वन ए में ट्यूमर मेनली इन्वॉल्व हुआ है लेमिना प्रोपिया या मस्कुलरिस मुकोसा में, T1B में समुकोसा तक पहुंचा है, 2 में मस्कुलरिस प्रोपिया तक, 3 में ट्यूमर पेनिट्रेट किया है समुकोसा, कनेक्टिव टिश्यू, उसके साथ साथ पेरिटोनियम एंड एजेंट स्ट्रक्चर। T4A इसमें विसरल पेरिटोनियम इन्वॉल्व है, T4B में एजेंट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। मेटास्टेसिस की बात करें तो दो होगा, या तो वो मेटास्टेसिस हुआ है या मेटास्टेसिस नहीं हुआ है। हुआ है तो डिस्टेंस मेटास्टेसिस जिसको M1 कहते हैं, नहीं हुआ है तो M0। ठीक है, नोड, नोड में N1 N2 N3 ए N3 बी में डिवाइड हुआ है। N1 में जो मेटास्टेसिस है वो मेनली 1 से 2 रीजन इन्वॉल्व किया है लिम्फ नोड का, N2 में 3 से 6 रीजन मेटास्टेसिस हुआ है, N3A में 7 से 15 रीजन और N3B में 16 उससे ज़्यादा रीजन इन्वॉल्व हुआ है लिम्फ नोड का। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है मेलिग्नेंसी कहाँ हुआ है, अगर प्रॉक्सिमल 1/3 में हुआ है तो एक्सटेंडेड गैस्ट्रेक्टोमी प्लस D2 लिम्फ डिनेक्टोमी करेंगे, मिडिल 1/3 हुआ है तो टोटल गैस्ट्रेक्टोमी D2 लिम्फ एडिनोक्टोमी करेंगे, डिजिटल 1/3 हुआ है तो सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी और D2 लिम्फ एडिनोक्टोमी करेंगे। ये ट्रीटमेंट है ना इंटेस्टाइन और डिफ्यूज वैरायटी ऑफ स्टोमक कैंसर दोनों में सेम होता है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन में मेनली डिफ्यूज वैरायटी जो इन्वॉल्व होता है डिजिटल 1/3 में, उसमें टोटल गैस्ट्रेक्टोमी प्लस D2 लिम्फ एडिनोनेक्टोमी किया जाता है। इंडिकेशन क्या होता है डिजिटल पेनक्रियाटेक्टोमी का? तो इसमें बॉडी और तेल ऑफ द पेनक्रियाज अगर इन्वॉल्व होगा ट्यूमर से तब हम करेंगे। ठीक है, अब ये स्प्लेनेक्टोमी का इंडिकेशन कब होगा? जब ये जो कैंसर है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व कर दे स्प्लीन का या प्रॉक्सिमल पाथ अलोंग द पोस्टीरियर वॉल या ग्रेटर कर्वचर का। प्रोग्नोस्टिक जो फैक्टर होता है वो कितना डेप्थ में गया है और कितना लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, ये सब पे डिपेंड करता है। अब आगे फिर से जिस्ट में मेली दो ही तरह का इसमें कैंसर पड़ रहे हैं, एक एडिनोकार्सिनोमा एक जिस्ट। जिस्ट का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अस्ट्रोमल ट्यूमर। मोस्ट कॉमन साइट इसमें सबसे पहले तो अस्टोमक होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर कोलोन, फिर इसियोफेगस होता है। ठीक है,
तो एराइज कहाँ से होता है? तो जहाँ पर गैस्ट्रिक पेसमेकर होता है, जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल ऑफ काजल कहते हैं। जिस्ट एक्सप्रेस होता है थायरोसिन काइनेज रिसेप्टर में, जिसको CKIT कहते हैं। CKIT एक्सप्रेस मार्कर को CD117 कहते हैं। अदर मार्कर भी है, जैसे कि BCL2, CD34, PDGFR अल्फा। PDGFR का फुल फॉर्म प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। न्यू जो मार्कर आया है DOG1 और प्रोटीन काइनेज C-theta। ठीक है, टाइप में स्पिंडल सेल वेराइटी 70% देखने को मिलता है, इप्थेराइड वेराइटी 70% देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए, जो जीस्ट और एडिनोकार्सिनोमा है उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है। एडिनोकार्सिनोमा में इंट्राल्यूमिनल ग्रोथ होता है, जीस्ट में एक्स्ट्राल्यूमिनल ग्रोथ होता है। जीस्ट में हाईली वैस्कुलर ट्यूमर होता है, जिसमें ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होगा, कभी कभी एब्डोमिनल पेन, और पेशेंट एडवांस स्टेज में सिम्टोमेटिक हो जाते हैं। क्लिनिकल फीचर, जीस्ट का मोस्ट कॉमन क्लिनिकल सिम्टम कौन सा है? ब्लीडिंग और एब्डोमिनल पेन। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा रूमिनल या एक्स्ट्रा म्यूरल पाथ इन्वॉल्व होता है। मोस्ट कॉमन रूट कौन सा होगा? तो ब्लड के थ्रू। ये मेनली लिम्फेटिक स्प्रेस से इन्वॉल्व नहीं होता है। और इसका भी मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होगा? मेटास्टेटिस का लीवर। ठीक है, डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? तो CECT के द्वारा इंडोस्कोपिक बायोप्सी इसमें क्या होता है? कंट्राडिक्टेड होता है। ट्रीटमेंट में, तो ट्रीटमेंट में हम मेनली करते हैं कौन सा ट्रीटमेंट? तो रीसेलेक्टेबल जिस्ट किया जाता है, जैसे कि सिगमेंटल रिसेक्शन, जिसमें हम वेज शेप्ड एक्सीजन करते हैं 2 सेंटीमीटर। ड्रग ऑफ चॉइस होता है अनरिसेक्टेबल जिस्ट के लिए इमातिनाब मिसिलेट। लिख देती हूँ, इमातिनिब मिसिलेट। सेकेंड लाइन कौन सा होता है? सुनितिनिब। और थर्ड लाइन रेगोराफिनिब। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सा होता है असेसमेंट के लिए? तो पेट स्कैन। गोल्डन स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन कौन सा होता है जिस्ट के लिए? पेट CT स्कैन। अब एक टर्म आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसको हम कहते हैं कार्नी ट्रायड। अब ये क्या होता है? ये मेनली मल्टीफोकल होता है, मल्टीफोकल GIST इसमें देखने को मिलता है, परमोलिकोंड्रोमा और एक्स्ट्रा एडिनल पाराग्लियोमा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गैस्ट्रिक कैंसर के बारे में, इसमें क्या दे रहा है। ठीक है, इसके जो गैस्ट्रिक कैंसर है ना, ये मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी होती है गैस्ट्रिक का। ठीक है, रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं? तो या तो ये इन्फ्लेमेटरी रिस्क फैक्टर होगा, जैसे कि एच पायलोरिक इन्फेक्शन, नाइट्राइट सिंडाइट, न्यूट्रिशन सी और ई की डिफिशियंसी, स्मोकिंग। जेनेटिक में फैमिली हिस्ट्री होगा गैस्ट्रिक कैंसर का, ग्रुप ए होंगे ब्लड ग्रुप ए, हेरिडेटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोन कैंसर सिंड्रोम होगा पेशेंट में, फैमिलियर गैस्ट्रिक कैंसर सिंड्रोम होगा, ये ड्यू टू ई कैदेरिन म्यूटेशन के कारण होता है। होस्ट फैक्टर में मेनली क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, ये इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, गैस्ट्रिक एडिनोमा, उसके बाद बारेट इसोफेगस, मेनिटियल डिजीज, इतने सारे होंगे। अभी मेनिटियल डिजीज क्या होता है? तो चलिए, मेनिटियल डिजीज है, ये करैक्टरिस्टिक होता है डिफ्यूज फेव्योलर सेल का, जिसमें हाइपरप्लेसिया होता है ड्यू टू एक्सेसिव सेक्रिएशन ऑफ ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर अल्फा। ये एसोसिएटेड होता है इनलार्ज गैस्ट्रिक रगी का और प्रोटीन लूजिंग इंटेरोपैथी का। इन्फेक्शन अगर एच पायलोरिक से होगा तो ये एसोसिएटेड होता है डिजिटल इंटेस्टाइनल टाइप का, ना कि डिफ्यूज या प्रॉक्सिमल कैल्सिनोमा का। जो डिफ्यूज है उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है ये स्टोमेक का, जो मेनली रेनिटिस प्लास्टिका या लेदर बोतल का शेप ले लेता है। एच पायलोरी के कारण मेनली टाइप 1 कार्सिनोमा देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये क्लासिफिकेशन, पहला जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस्ड पे है? वो लॉरेंस हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। ये दो टाइप का होता है, इंटरस्टिशियल टाइप और डिफ्यूज टाइप। जो इंटरस्टिशियल टाइप था वो मेनली क्या है,
ऐसा टाइप ऑफ कैंसर है जो कंपोज होता है नियोप्लास्टिक इंटेस्टाइनल ग्लैंड का, जो एग्जिबिट करता है एक्सपेंडिंग शीत पैटर्न को और स्प्रेड करता है क्योंकि उसमें कोहेशन ऑफ सेल होते हैं। डिफ्यूज टाइप पुअरली डिफ्रेंशिएटेड नॉन कोहेसिव सेल होता है, ये मेनली ग्लैंड फॉर्म नहीं करता है। इसका अपियरेंस सेल का कैसा होता है, तो सिग्नेट रिंग अपियरेंस जैसा होता है, क्योंकि म्यूसिन जो होता है सेल का वो पुश करता है न्यूक्लियस को पेरिथेरल तरफ। ये फ्रिक्वेंटली ज़्यादा सीन होता है ई कैधेरिन म्यूटेशन में। डेप्थ की बात करें तो अल्ली और लेट, अल्ली में क्या होता है म्यूकोसा और सब म्यूकोसा इन्वॉल्व होगा, और लेट में क्या होंगे तो मस्कुलर लेयर इन्वॉल्व होंगे। अगर इसकी बात करें मैक्रोस्कोपिक पैटर्न की, तो इसमें मेनली तीन टाइप के होते हैं, टाइप वन, टाइप टू और टाइप थ्री। टाइप वन में मेनली मास और एक्सोफाइटिक प्रोट्यूडिंग होगा, टाइप टू में फ्लैट और डिस्पर्स्ड ये देखने को मिलेगा, टाइप थ्री में एक्स का भेद मतलब कि रोशन देखने को मिलेगा। क्रैनियर फीचर्स में मोस्ट कॉमन लोकेशन कौन सा होता है गैस्ट्रिक कैंसर का, तो एंट्रम ऑफ द स्टोमक। अर्लीस्ट सिंड्रोम में क्या लगेगा, हैवीनेस लगेगा, और लेट सिंड्रोम में क्या होंगे, वोमिटिंग होंगे, ठीक है, और एनोरेक्सिया होगा। मतलब कि सबसे पहले अर्लीस्ट अगर देखे सिम्टम तो हैवीनेस, वेट लॉस मोस्ट कॉमन में होता है, और अर्ली सिम्टम में हैवीनेस होता है, वोमिटिंग और एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में आपको पता है एंडोस्कोपी विथ बायोप्सी करते हैं, ठीक है, ये वाला भी बता दिए थे। अगर मेटास्टेसिया एक्जिलरी में हो तो उसको क्या कहते हैं, आयरिस नोड कहते हैं, ठीक है। अगर मेटाप्लेसिया क्या हो, लीवर में चला जाए, पहला लीवर ऑर्गन होता है जहाँ पे मेटाप्लेसिया जाए, तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मोस्ट कॉमन साइट है। लेकिन अगर ओवरी में हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको क्रुकेनबर्ग ट्यूमर कहेंगे। पहली अम्बिलिकल लिम्फ नोड से हो तो सिस्टल मेली जोसफ नोड्स कहेंगे, पेरिटोनियल कॉडल सैक हो तो उसको ब्लूमर सेफ कहेंगे, जो मेरी लेक्टर वेजाइना या वेजाइनल इन्फेक्शन एग्जामिनेशन से पल्पेबल होता है, और लेफ्ट सुप्राक्लेविकल लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हो तो उसको हम विर्चुअल लिम्फ नोड कहेंगे। ट्रीटमेंट में हम सर्जिकल रिसेक्शन करते हैं, ठीक है। अगर केमोथेरेपी की बात किया जाए तो ECF, ई से इपीरुवासिन, सी से सिसप्लैटिनिन और एफ से 5-फ्लोरोयुरासिल देते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ये स्टोमक ट्यूमर जिसको शॉर्ट फॉर्म में जिस्ट कहते हैं, ये मेनली इंटेस्टिशियल सेल ऑफ काजल में देखने को मिलता है। ये मोस्ट कॉमन मेसेनकाइमल ट्यूमर है एब्डोमेन का, ठीक है। इसमें होता क्या है तो इनके इसमें मेनली NF1 जिसको हो रहा था ना, उसमें जिस्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर मोस्ट ये यूजफुल डायग्नोस्टिक मार्कर देखने को कहें तो वो होता है CD 117, जो मेनली 95% पेशेंट में डिटेक्टेबल होता है, अदर भी होते हैं। माइक्रोस्कोपिकली देखें तो ये क्या दिखाएगा, या तो इपिथेरॉयड दिखाएंगे, मिक्स स्पिंडल सेल या मिक्स सेल दिखाएंगे, ठीक है। डायग्नोसिस में CT स्कैन किया जाता है, या तो अकेले या विथ पेट स्कैन के साथ किया जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, लोकलाइज ट्यूमर रहेगा तो सर्जिकली निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसमें हम ये इमातिनिब मिसाइलेट भी देते हैं। एक होता है कार्नित्राया जो पहले ही बता चुके थे। अब आते हैं एक और इसका ट्यूमर है जिसका नाम है जोलिंग गल इलीसन सिंड्रोम, जिसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिनोमा कहते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं, कौन सा सिंड्रोम, जोलिंजर इलीसन सिंड्रोम, इसके दूसरा में गैस्ट्रियोमा भी कहा जाता है, क्या, गैस्ट्रिनोमा भी कहा जाता है। गैस्ट्रिनोमा मतलब सिंपल मतलब क्या है, गैस्ट्रिन सेक्रेटिंग ट्यूमर। गैस्ट्रिन सेक्रिएट कहाँ से होता है, तो जी सेल से सेक्रिएट होता है, ठीक है। तो गैस्ट्रियोमा एक टाइप का न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर है। ये ट्यूमर मेनली प्रोड्यूस होता है, कब होता है, जब गैस्ट्रिन लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर एक ऐसा ट्यूमर है जो डेवलप होता है सेल में और ट्रिगर होता है नर्व सेल के द्वारा, प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स, ठीक है। ये मेनली क्या करता है ना,
ट्रायंगल बनाता है। ट्रायंगल कैसे बनाता है, तो इस तरह का ट्रायंगल बनाता है। अभी तीनों ट्रायंगल होता कहाँ कहाँ पे, जो यहाँ ये ट्रायंगल है ये लीवर का, इस तरह का लीवर है ना, उसमें होता है जंक्शन ऑफ सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट। सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पर उसका जंक्शन होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ट्रायंगल है, यहाँ पर क्या क्या होता है, तो ये जंक्शन होता है हेड और नेक ऑफ द पैनक्रियाज, हेड और नेक ऑफ द पैनक्रियाज का ये जंक्शन होता है। यहाँ पर किसका जंक्शन होता है, तो यहाँ पर मेली सेकेंड और थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूओडेनम का जंक्शन होता है, ये मेली एरिया यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। 90% जो गैस्ट्रियोमा होता है वो लोकेटेड होता है ये ट्रायंगल के अंदर, 50% ड्यूओडेनम में और 50% पैनक्रियाज में देखने को मिलता है। ये जो गैस्ट्रियोमा है ये ट्यूमर ऑफ नन बी सेल ऑफ पैनक्रियाज का ये देखने को मिलता है। इसमें ट्यूमर कहाँ पे होता है, तो बी सेल में नहीं जी सेल में देखने को मिलता है, ठीक है। मेनली इसमें पैनक्रियाज इन्वॉल्व होता है, ग्रेटर देन 70% ट्यूमर लोकेटेड होता है गैस्ट्रियोमा ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको क्या कहते हैं, जोलिंजर इल्सन सिंड्रोम भी कहते हैं। ट्यूमर जो है वो गैस्ट्रिन सेक्रेटिंग इंडोक्राइन सेल ऑफ पैनक्रियाज से मेनली देखने को मिलता है, ये लेस कॉमन होता है ड्यूओडेनम वॉल में, ठीक है। ये मेनली डेवलपमेंट ऑफ सीरियस और एग्रेसिव पेप्टिक अल्सर हो सकता है, मतलब ये पेप्टिक अल्सर को बढ़ा सकता है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैमरेज, उसके बाद परफोरेशन, ये सब देखने को मिलेगा। कौन कौन सा कॉम्प्लिकेशंस, हैमरेज, परफोरेशन और ऑब्स्ट्रक्शन। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, ट्यूमर है तो उसको बाहर काट के निकाला जाता है, मतलब कि रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर करेंगे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंटीक्लोनर्जिक रखेंगे और एंटाएसिड देंगे, ठीक है। ये जो हमारा गैस्ट्रियोमा है ना, ये ज़्यादा एसोसिएटेड होता है मेन वन से, ठीक है। क्या होता है सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। मेन वन, मेन मेनली तीन टाइप का होता है। अब मेन का फुल फॉर्म क्या, अब मेन मेन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मल्टीपल इंडोक्राइन नियोप्लासिया। ये टाइप वन में क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो ट्रिपल पी आपको याद करना पड़ेगा। ट्रिपल पी मतलब क्या होता है, तो पाराथायराइड हाइपरप्लासिया, पहला पी का मतलब, दूसरा पी का मतलब पिट्यूटरी ट्यूमर, तीसरा पी का मतलब पैनक्रियाटिक इजलेस सेल ट्यूमर, ठीक है। अब हो गया मेन 2A और मेन 2B, इसके बारे में भी थोड़ा सा निमोनिक्स बता देती हूँ। 2A में याद रखिएगा 1M रहेगा और 2P रहेगा, और 2B में 2M रहेगा और 1P रहेगा। इसका क्या मतलब है, तो 2A का पहले बताती हूँ। इसमें एक M है, मतलब कि मेडुलरी थायराइड कैंसर से ये रिलेटेड है। और ये याद रखिएगा जो हमारा ये टाइप 2 है, इसमें दोनों टाइप में मेडुलरी थायराइड कैंसर होगा, ये ही डिफ्रेंशिएट करता है मेन टाइप 1 में, जिसमें मेडुलरी थायराइड कैंसर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब क्या था इसमें 1M, तो M से हो गया मेडुलरी थायराइड कैंसर। उसके बाद 2P है, तो 1P से क्या होगा, फियोक्रोमोसाइटोमा, और 1P से पाराथायराइड हाइपरप्लेसिया, ठीक है। चलिए अब एक बात और याद रखिए, ये जो 2A और 2B है इसमें क्या क्या कॉमन है, मेडुलरी थायराइड कैंसर कॉमन है, फियोक्रोमोसाइटोमा कॉमन है, तो डिफरेंस क्या है, तो एक डिफरेंस आ जाएगा M, 2M है ना इसमें, तो इसमें मार्फेनोइड हैबिटस या म्यूकोसल न्यूरोमा देखने को मिलेगा। तो अगर कोई बोले टाइप 1, टाइप 2, टाइप 2 में दो होता है 2A और 2B, ठीक है। टाइप 1 और टाइप 2 एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है, तो टाइप 1 में क्या होता है, में ये फियोक्रोमोसाइटोमा और मेडुलरी थायराइड कैंसर नहीं होता है, लेकिन टाइप 2 में ये होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए टाइप 1 और टाइप 2A एक दूसरे से कैसे सिमिलर है, तो दोनों में पाराथायराइड हाइपरप्लेसिया दे होता है। टाइप 2A और टाइप 2B कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो दोनों में फियो
क्रोमोसाइटोमा और मेदुलरी थायराइड कैंसर है। तो अगर दोनों में सिमिलर है तो कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो दो टाइप है। हाँ, 2A में क्या होगा, पाराथायराइड हाइपरप्लेसिया होगा, 2B में म्यूकोसल न्यूरोमा होगा। आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा ये बात, ठीक है। इसका क्लिनिकल जब फीचर्स देखें तो पेप्टिक अल्सर इसका हॉलमार्क फीचर्स आ जाता है। ये मल्टीपल लोकेशन पे देखने को मिलेगा और ये अनयूजुअल लोकेशन में भी होता है, जैसे कि इसियोफेगस, रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब एरिया में भी देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, फास्टिंग गैस्ट्रिन लेवल देखते हैं। मेनली नॉर्मली कितना होता है, 150 पीजी पर एमएल, और इससे ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, यही हमारा डिजीज होगा। चलिए अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे कि जोलिंजर इल्सन सिंड्रोम है, ये ट्यूमर है, ट्यूमर ऑफ जी सेल भी कहलाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम गैस्ट्रियोमा है, मतलब कि ये गैस्ट्रिन सेक्रेटिंग ट्यूमर के कारण होता है, मतलब कि ट्यूमर ऑफ जी सेल जो मेनली प्रेजेंट होता है अस्टोमैक में। लेकिन इसका मोस्ट कॉमन साइट अस्टोमैक नहीं है, मोस्ट कॉमन साइट डियोडेनम है, उसके बाद पैनक्रियाज है, और उसके बाद अस्टोमैक होता है। इसके अलावा ये ओवरी, टेस्टिस और हर्थ में भी पाया जाता है, बट रेयर में, ठीक है। ट्यूमर के कारण क्या होता है, गैस्ट्रिन ज़्यादा सेक्रिएट होता है जो कंटिन्यूसली स्टूमलेट करता है, जिसके कारण नंबर ऑफ पेराइटल सेल बढ़ जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, हाइपरग्रेस्टिनेमिया और हाइपरक्लोरहाइड्रिया देखने को मिलता है, जो बाद में बार बार पेप्टिक अल्सर कॉज करता है। डियोडनल अल्सर भी कॉज करता है जियांट अल्सर में, जो मेनली सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडनम में होता है। 25% जो केसेज हैं वो मेन वन से एसोसिएटेड होते हैं। मेन वन मतलब कि पिट्यूटरी एडिनोमा, पैराथायराइड एडिनोमा, पैनक्रियाटिक एडिनोमा। पैनक्रियाटिक एडिनोमा में मेनली ये जोलिंजर इल्सन सिंड्रोम देखने को मिलता है। अगर ओवरऑल मोस्ट कॉमन पैनक्रियाटिक एडिनोमा की बात करें तो उसमें कौन सा होता है, इंसुलियोमा होता है। लेकिन मोस्ट कॉमन मेन वन ओवरऑल पैनक्रियाटिक एडिनोमा फंक्शनल की बात करें तो जोलिंजर इल्सन सिंड्रोम, मतलब कि अगर मेन वन को हम हटा दें तो मोस्ट कॉमन पैनक्रियाटिक एडिनोमा कौन सा है, इंसुलियोमा। लेकिन अगर मेन वन में हम पूछेंगे तो जोलिंजर इल्सन सिंड्रोम है, ठीक है। यूजुअल एज कितना होता है, तो 30 से 50 साल के एज में देखने को मिलता है। फीमेल में ज़्यादा कॉमन है मेल की अपेक्षा, ठीक है। अब देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर। कोई पेशेंट आएगा तो उसको एब्डोमिनल पेन होगा, जिसको एपिगैस्ट्रिक पेन होते हैं, हंगर पेन इसको कहते हैं, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंफर्म करने के लिए डायग्नोसिस, ठीक है। दूसरा में डायरिया देखने को मिलेगा, डायरिया क्यों होता है, तो ड्यू टू एक्सेस एसिड जो प्रोड्यूस होता है, इनएक्टिवेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम और एसिड जो कंट्रीब्यूट करता है म्यूकोसल इंजरी, और इसके कारण पेशेंट को PPI दिया जाता है, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है ना कि ये गैस्ट्रिक लेवल ब्लड में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स में हम गर्द भी देख सकते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिन इसमें बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में किडनी स्टोन के चांसेस होते हैं। ये एसोसिएटेड होता है मेन वन जो मोस्ट फेवरेबल प्रोग्नोसिस होता है इसका। वर्कअप क्या करेंगे, अपर GI एंडोस्कोपी करेंगे, जिसमें हम मल्टीपल DU और जियान DU देख सकते हैं। ब्रीद यूरिया टेस्ट करेंगे, अगर निगेटिव है तो ये रूल आउट करेगा किसको, एच पायलोरी को। अगर यूरिया टेस्ट निगेटिव है तो ये भी क्या करेगा, ये रूल आउट करेगा एच पायलोरी को। कैल्शियम, PTS, प्रोलैक्टिन, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड लेवल भी चेक किया जाता है, जो एसोसिएटेड होता है मेन वन से, और ये मेली क्रोमोजोम नंबर 11q13 पे देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें 3P याद करना है, पिट्यूटरी एडिनोमा, पैराथायराइड एडिनोमा और पैनक्रियाटिक एडिनोमा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में क्या है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में मेली आप देखिएगा सेक्रेटिन स्टडी, ठीक है। इसमें क्या होगा, फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि जो गैस्ट्रिन है वो ड्यू टू एच पायलोरी भी से क्रिएट होता है गैस्ट्रिक ऑल्टरेट ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, और ज़्यादा यूज ऑफ PPI के कारण भी होता है। तो हम इसमें फास्टिंग गैस्ट्रिन लेवल चेक करेंगे, जो अगर 1000 PG पर ML से ज़्यादा रहा तब होगा। ब्लड एसिड आउटपुट जो ग्रेटर देन 15 MEQ बराबर रहा तब होगा।
और बेसर एरिया आउटपुट और मैक्सिमम एरिया एसिड आउटपुट देखने को मिलेगा जो ग्रेटर देन 0.6 होंगे। ट्यूमर लोकलाइजेशन, ट्यूमर जो है वो प्रेजेंट होता है गैस्ट्रियोमा ट्रायंगल जो अभी थोड़ा देर पहले डिस्कशन कर दिए थे। तो अभी तक मेन इन्वेस्टिगेशन में एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है ट्यूमर को लोकेशन करने में। मोस्ट कॉमन साइट डियोडेनम, पैनक्रियाज, फिर स्टोमैक, फिर मेसेंट्री, ये सब हो सकता है। बेस्ट इमेजिंग मेदुलारिटी इन्वेस्टिगेशन इंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड बेस्ट इमेजिंग मोदुलरिटी इन मेटास्टैटिक गैस्ट्रियोमा, मतलब कि गैस्ट्रियोमा अब एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड कर रहा है, तब हो जाएगा सोमैटोस्टैटिन स्किंटीग्राफी। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस में क्या होगा, तो PPI होगा। सोमैटोस्टैटिन एनालॉग होगा जैसे कि लैनरियोटाइड। सिम्टम्स रिसेक्शन होगा जिसमें ट्यूमर अगर ग्रेटर देन 1.5 से 2 सेंटीमीटर हो जाए तो ऑन सीटी या MRI। कैल्शियम लेवल बढ़ा हुआ है तो हम उसके कारण क्या होंगे, एसिड का लेवल बढ़ जाएगा स्टोमक में जिसके कारण पैराथायराइड एडिनोमा वर्स हो जाएंगे। ठीक है, जिसके कारण हम उसमें क्या करते हैं, TC99 या सेस्टामीवी स्कैन करते हैं। पचमा में क्या करेंगे, तो मेटास्टेटिस लीवर में हम हेपेटिक रिसेक्शन करते हैं। ठीक है, अब जब बात करें कि इसका पैथोलॉजी में क्या कर सकते हैं, तो इसके पैथोलॉजी में हम इपिडर्मिलोजी जो पहले ही डिस्कस कर लिए, तो मोस्ट कॉमन मेनली ये देखने को मिलता है लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाला में। रिस्क फैक्टर में फैमिली हिस्ट्री, डाइट में हाई लेवल ऑफ नाइट्रेट, डाइट में लो लेवल ऑफ ANC, फेमिलियर पोलिपोसिस और एडिनोमास, हेरिडेटरी नन पोलिपोसिस, कोलोन कैंसर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक इन्फेक्शन, प्रीवियस गैस्ट्रिक सर्जरी, एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस, सिगरेट स्मोकिंग, एडिमेटस गैस्ट्रिक पोलिप्स, मेनी ट्रायल डिजीज, परनीशियस एनेमिया और टाइप ए ब्लड, ये सब मेनली देखने को मिलेगा। ठीक है, पैथोलॉजी में अगर एच पायलोरी के ऑटो इम्यून इसके कारण हुए तो क्या क्या हो सकता है, डिसप्लेसिया, एडिनोमा, कार्सिनोमा। ठीक है, तो इसमें डिसप्लेसिया यूनिवर्सल प्रिकल्सर होता है एडिनो कार्सिनोमा का। एडिनोमा ऑकर होगा जब डिसप्लास्टिक प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा। कार्सिनोमा मेनली गैस्ट्रिक अर्ली गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो इसका है ना लॉरेन क्लासिफिकेशन ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं। दूसरा होता है टाइप ऑफ अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर, वो भी बता दिए लेकिन एक और बता देती हूँ। दूसरा में टाइप 1, टाइप 2A, टाइप 2B, टाइप 2C और टाइप 3, इतने होते हैं। टाइप 1 मेनली क्या होता है, एक्जियोफाइटिक लेसन होता है जो एक्सटेंड करता है गैस्ट्रिक ल्यूमेन तक। टाइप 2A एलिवेटेड लेसन होता है, हाइट मेनली इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है इसके थिकनेस से। टाइप 2B में क्या होगा, फ्लैट लेसन होगा। टाइप 2C में डिप्रेस लेसन होगा लेकिन डीपली अल्सरेटेड नहीं होगा। टाइप 3 में एक्सकावेटेड लेसन होगा। ठीक है, ग्रॉस मार्फोलॉजी गैस्ट्रिक कैंसर का कैसे करेंगे, तो जैसे कि पोलिपोइड है मतलब कि बल्क ऑफ ट्यूमर मास है और वो इंट्राल्यूमल है और अल्सरेटिंग नहीं है। फंगिनेटिंग मतलब कि बल्क ऑफ ट्यूमर मास इंट्राल्यूमल है और एलिवेटेड इंट्रा मुरली और अल्सरेटेड है। अल्सरेटेड मतलब कि जो बल्क ऑफ ट्यूमर मास है वो कहाँ है, तो वॉल ऑफ द स्टोमक में।